तुलिका न्यूज़ डेली डे एनालिसिस विद तुलिका रचना। देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन कई घटनाएं दर्ज है, जिनमें से कुछ प्रमुख घटनाओं की सूची इस प्रकार है। पांच नवंबर 1556, आज के दिन मुगल सम्राट अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें हेमू को मुखी खानी पड़ी और रणभूमि में उसका सिर कलम कर दिया गया। 5 नवंबर 1870, देशबंधु के नाम से प्रख्यात स्वराज पार्टी के नेता चित्तरंजन दास का ढाका अब बांग्लादेश के बिक्रमपुर में जन्म हुआ। 5 नवंबर 1895, अमेरिका के उत्तर प्रांत ने महिला मताधिकार को स्वीकार किया। 5 नवंबर 1911, आज के दिन इटली ने लीबिया पर हमला कर दिया, त्रिपोली और साइरेनेका पर कब्जा जमा लिया। 5 नवंबर 1920, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का निर्माण हुआ। 5 नवंबर 1925, इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने इटली की सोशलिस्ट पार्टियों को भंग कर दिया। 5 नवंबर 1927, आज के दिन वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधीजी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं से मुलाकात की और साइमन कमीशन की आगामी यात्रा की घोषणा की। 5 नवंबर 1961, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू न्यूयॉर्क पहुंचे। 5 नवंबर 1991, किची मियाजावा को जापान का प्रधानमंत्री चुना गया। 5 नवंबर 2006, आज के दिन इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई। 5 नवंबर 2007, चीन का पहला अंतरिक्ष यान चेंजवन चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। 5 नवंबर 2013, आज के दिन अंतर्गृह मिशन मंगलयान लॉन्च किया गया था।